हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। चलिए आज नए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्कैन के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और सी स्कैन के बारे में जानेंगे। सी स्कैन मींस सर्कुलर स्कैन, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा सेम मैंने वही रखा है, रिक्वेस्ट क्या आई है हमारे पास 23, 89, 132, 42, 187 और 60। तो रीड राइट हेड की करंट मूवमेंट, रीड राइट हेड की करंट लोकेशन दिखा रहा है 100 पे और डायरेक्शन जो है मूविंग टुवर्ड्स हायर नंबर, ठीक है। तो हायर नंबर की तरफ हमारी डायरेक्शन रहेगी, तो हमको फाइंड क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स या फिर टोटल टाइम, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक चार्ट ड्रा करूंगा। चार्ट ड्रा करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिए और ये आपको दिया होगा। मान लेते हैं कि हमको 0 से लेके 199 तक रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है। तो सर्कुलर स्कैन क्या कर रहेगा, सेम स्कैन की तरह ही काम करेगा, बस फर्क सिर्फ इतना है एक एंड से रीड राइट हेड स्टार्ट होएगा और डिस्क के दूसरे एंड की तरफ चलेगा, बीच में सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करता जाएगा। उसके बाद एंड पे पहुंचने के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, और रिवर्स करने के बाद यहां जब रिवर्स करता हुआ आएगा तब किसी की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा, वापिस से स्टार्टिंग पे आएगा और उसके बाद आगे फर्दर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, फुलफिल करना शुरू करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा। तो करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड इज 100, तो मैंने 100 पे करंट पोजीशन लगा ली और डायरेक्शन बताई है मूविंग टुवर्ड्स हायर नंबर। तो अब हायर नंबर 100 से हायर है हमारे पास 132, तो मैं 132 यहां पे प्लॉट कर लेता हूं। तो यहां से आएगा 132 पे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आएगी 132 के बाद 187, तो 132 के बाद 187, तो मैं 187 यहां पे प्लॉट कर लेता हूं 187, और इसके बाद कहां जाएगा, नेक्स्ट जाएगा पूरा कहां तक, 199 तक, ओके 199 तक जाएगा। तो उसके बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके वापस जीरो तक, ठीक है। तो जीरो तक जाने के बाद फिर से स्टार्ट होगा और नई रिक्वेस्ट को फुलफिल करता जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, जब ये 199 पे पहुंचेगा, 199 से जब ये जीरो की तरफ चलेगा, उस दौरान ये किसी की भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। यही डिफरेंस आता है इसमें स्कैन और सर्कुलर स्कैन में। सर्कुलर वेव में काम कर रहा है, यानी एक टर्न के बाद कंप्लीटली पीछे आ जाएगा बिना किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल किए, उसके बाद फिर से शुरू होगा। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, जैसे 23, ओके ये मैं 23 यहां पर प्लॉट कर देता हूं, 23 के बाद हमारे पास 42 के बाद हमारे पास 60 और यहां पे आ गया 89, ओके। तो ये रिक्वेस्ट ऐसे फुलफिल होती जाएंगी, 142, 60, 89, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सेम कंसेप्ट है, रिक्वेस्ट कैसे फुलफिल करनी है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल हेड मूवमेंट्स। तो टोटल हेड मूवमेंट्स आप सभी को कैलकुलेट करना आता है, दो तरीके हैं, मैं शॉर्टकट वाले से बताता हूं, जिसमें गलती भी नहीं होती तो आप उसी से कर सकते हो। तो 100 से कहां गया हम सीधा, सबसे पहले 199 तक, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको 199 माइनस 100 प्लस, और उसके बाद 199 माइनस 0, ओके 199 से हम कहां है, जीरो पे, 199 माइनस 0 प्लस, यहां से हमने शुरू किया जीरो से लेके एंड। जब मैं ऐसे इस तरीके से कर रहा हूं तो हम बिल्कुल एंड पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे 89 माइनस 0, ओके। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स। अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, 100 से शुरू है 132 माइनस 100, फिर 187 माइनस 132 प्लस 199 माइनस 187 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 23 माइनस 0 प्लस 42 माइनस 23 प्लस 60 माइनस 42 प्लस 89 माइनस 60। वैसा भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी आंसर आपका सेम आने वाला है, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 387, ठीक है। इतना सही कंसेप्ट है किसका, सर्कुलर स्कैन का। होमवर्क के लिए अब आप क्या कर सकते हो, मूविंग टुवर्ड्स हायर नंबर की जगह मूविंग टुवर्ड्स लोअर नंबर को, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो।
तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस मेथड के रिलेटेड। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सर्कुलर स्कैन क्या बोलता है? रीड राइट हेड स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द डिस्क, वन एंड ऑफ द डिस्क एक एंड से शुरू होता है, ठीक है। अब हमारी मूवमेंट 100 से शुरू हुई थी, तो इसलिए हमने रीड राइट हेड की करंट पोजीशन 100 थी, इसलिए हमने 100 से शुरू किया। तो वन एंड ऑफ द डिस्क और दिया था कि हायर नंबर पे जा रहा, तो इस साइड से चलना शुरू हुआ और लिखा आगे सर्विसेज ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन एंड रीचेस द अदर एंड। अब यहां पे सारी रिक्वेस्ट सर्विस करना शुरू कर दी, 132 सर्विस की, 187 सर्विस की और एंड तक गया, यानी 199 तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद देन द डायरेक्शन ऑफ हेड इज रिवर्स आउट एंड हेड रीचेस फर्स्ट एंड विदाउट सेटिस्फाइंग एनी रिक्वेस्ट, विदाउट सेटिस्फाइंग एनी रिक्वेस्ट हेड कहां पे आ जाएगा? जीरो पे। और इसके बाद फिर से सेम एल्गोरिथम कंटिन्यू करेगा और अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता जाएगा। तो एडवांटेजेस की बात करें, यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम है, रिस्पांस टाइम इसका बेटर रहता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सीक मूवमेंट्स क्या हो जाती है? हायर हो जाती है एज कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।